हमारे जितने सीनियर सहाफ़ी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं उनको खुश आमदेद। शर्जील मेमन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और कराची प्रेस क्लब में शर्जील मेमन हो या सिंध गवर्नमेंट हो, हमारा उनके साथ दामन चोली का साथ है। शर्जील मेमन की जो टीम है, खासकर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एक मीडिया फ्रेंडली नदीम मेमन साहब, उनके साथ काबोरो साहब, डायरेक्टर नकवी साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची प्रेस क्लब की ये मेज़बानी है कि तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। चूँकि आप सबको पता है कि कराची प्रेस क्लब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जमहूरी एक इदारा है और एक मदर इदारा है जिसमें तमाम तंजीमें, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम जो चीज़ें हैं वो उसके जिम्मे आती हैं। तो मैं शर्जील मेमन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुख्तसर अपने ख्याल का इजहार करें। शुक्रिया शर्जील मेमन साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम सईद गनी साहब, मिनिस्टर लेबर, मोहतरम फराज अख्तखानी साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर, कराची प्रेस क्लब की नई जो बॉडी है उनके नौमुंतखब अहदेदारान, APNS के मेंबरान, CPNE के मेंबरान, और सबसे ज़्यादा जिनके एजाज़ में दावत रखी गई है, हमारे कराची भर के सहाफ़ी भाई लोग, अस्सलामु अलैकुम। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कराची के सहाफ़ी भाइयों का कि आज रमज़ान के बाबरकत महीने में आप इस इफ्तार डिनर में तशरीफ़ लेकर आए, और आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी जो है वो यकीनन मेरे लिए भी, सिंध गवर्नमेंट के लिए और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बायस फ़ख्र है। पूरी पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से शुक्रगुजार हैं आपकी तशरीफ़ आवरी के, क्योंकि आपको इल्म है कि सिंध गवर्नमेंट का और पीपल्स पार्टी का और सहाफ़ियों का जो रिश्ता है वो सिर्फ चोली दामन का नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो जीने मरने का साथ का रिश्ता है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो सिंध हुकूमत ने हमेशा अपनी जर्नलिस्ट बरदरी के लिए, इन सहाफ़ी भाइयों के लिए, जो कि उस सहाफ़ी भाइयों के लिए जो हमेशा मुश्किल में, आंधी में, तूफान में, मार्शल्लाओं में, तमाम मुश्किल हालात में हमेशा हुकूमत पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश ये की है कि उन सारे मुश्किल हालात में जर्नलिस्ट के साथ, और जर्नलिस्ट ने हमेशा जमहूरियत की बहाली के लिए, आज़ादी, सहाफ़त के लिए और बाकी जो तमाम मसाइल के लिए सहाफ़ियों ने भी कोशिश ये की है कि ये हमेशा आगे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली में हमारे सहाफ़ियों का बहुत ही नहायत ही अहम किरदार रहा है, और हमेशा से मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए ही इम्पॉर्टेंट रहा है कि हम जो हमारा साथ है वो कायम दायम रहे और हम सच की आगाही के लिए, सच के लिए हम आगे चलें। अभी इफ्तार का टाइम हो जाता है तो मैं ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ़ नहीं दूंगा, सब आप लोग भी दुआएं वुआएँ करना शुरू करेंगे, फिर इफ्तार के बाद फिर जो मीडिया टॉक करनी हुई कर लेंगे, और उसके बाद जो है जमाली साहब भी आ गए। मैं आते जगह मैंने कहा GM जमाली साहब कहाँ हैं, बोले जी गायब हैं। फिर मैंने कहा फ़ोन करके मालूम करो कहाँ छुपे हुए हैं ये। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप आए, और ख़ास तौर पर सरमद साहब, नज़ीर लगारी साहब नज़र आए, डॉक्टर जब्बार खटक साहब नज़र आए, और काफ़ी हमारे दोस्त यहाँ पर नज़र आए हैं। आप सब लोगों का नहायत ही बहुत बहुत शुक्रिया, और इफ्तारी भी करते हैं, गपशप भी करते हैं, और उसके बाद फिर कुछ एक दूसरे से चेंज ऑफ व्यूज़ जो है वो भी करते हैं। एक चीज़ में अगर बात कहूँ कि हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए कोई ना कोई आइडिया देता है, लेकिन आज इस इफ्तार रखने का आइडिया जो मुझे दिया वो मैं अगर क्रेडिट ना दूँ तो जाती हो जाएगी, वो सईद गनी साहब ने दिया मुझे। सईद गनी साहब ने कहा कि यार वो हमेशा हम रखते हैं, हालांकि मैं भी पहले बहुत रखता था इफ्तारियाँ, लेकिन अब ये फिर ये बीच में फिर कोविड शोविड उनकी वजह से फिर वो जहन में नहीं रही, लेकिन सईद गनी साहब को क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने ये आइडिया दिया, और हम तो हमेशा अच्छा आइडिया कोई भी दे उस पर हम उनको जो है वो लब्बैक कहते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। इस जगह हम खड़े हैं, ये सहाफ़ियों का घर कराची प्रेस क्लब है,
और इसके बारे में आप तमाम हजरात बखूबी वाकिफ हैं, साथियों की जद्दोजहद के हवाले से उनके मसाइल उजागर करने, उनको हल करने के हवाले से इसका एक अहम किरदार रहा है। मजलूमों की आवाज़ बनता है, कराची प्रेस क्लब मजलूमों को मौके फराहम करता है कि वो यहाँ आएँ और अपनी आवाज़ बुलंद करें। इसके साथ साथ इस कराची प्रेस क्लब के बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें एक जो बुनियादी आपको पता है कि हमारी साफियों की एक साफी कॉलोनी है जो हाउस में भी है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा 700 के करीब हमारे नए मेंबर्स हैं, उनके प्लॉट्स के वाले से भी शर्जी अन्ना मेमन साहब ने सबका बॉडी के साथ मिलकर जद्दोजहद की थी। उस जद्दोजहद को भी आगे बढ़ाना है, इन तमाम मसलों को हल करना है। लोग हमसे कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट से आप मुतालबा करें कि जो प्रेस क्लब की ग्रांट है उसमें भी इजाफा किया जाए, तो वो भी हमें अपनी मेम्बर्स की आवाज़ जो है वो शर्जी अन्ना मेमन साहब तक जो है पहुँचानी थी। तो ये मखल में हमारे कुछ इशूज़ हैं, बाकी साथियों के हवाले से भी इशूज़ हैं, बाकी शहर के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, इन तमाम चीज़ों पे शर्जी अन्ना मेमन साहब अपनी गुफ्तगू में जो है वो इसका जो है आयदा करेंगे। उससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरबाजी साहब से वो आएँ और खिताब करें। शर्जी मेमन साहब इसी हवाले से मशहूर भी हैं और वो फ्रेंडली मीडिया पर्सन भी हैं, और हमारे कराची प्रेस क्लब के लिए सिंध गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम समझते हैं कि किसी ने भी कराची प्रेस क्लब के, खासकर जो हमारी ग्रांट है 5 करोड़, वो भी सिंध गवर्नमेंट ने बजट में उसका हिस्सा बनाया है। हमारी 3 मीडिया स्कीमें हैं, एलडीए में और लियारी डेवलपमेंट, एमडीए में और एलडीए में, उसमें भी कुछ इश्यूज़ बाकी रहते हैं। तो मैं समझूंगा कि शर्जील मेमन साहब ने हमसे वादा किया है कि लंच पे वो कराची प्रेस क्लब में गवर्निंग बॉडी के साथ मीटिंग करेंगे और हम उनको उनके सामने वो तमाम इश्यूज़ जो कराची प्रेस क्लब से रिलेटेड हैं जो वक्तन फवक्तन हल होने को जा रहे हैं, हम उससे दरख्वास्त करेंगे कि वो उसमें शामिल हों। और दूसरी बात, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि शर्जील मेमन साहब खासकर सेंसस के हवाले से यहाँ पर बताएं लोगों को, और जिस वक्त ये जो मौजूदा बहरान है, सियासी बहरान है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो मैं शर्जील इनाम मेमन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आ जाए और खिताब करें। शुक्रिया जी। प्रेस क्लब की नई जो बॉडी है उसने चंद अहम नुकात रखे हैं। एक ये कि जो साफी हमारे जो हैं यहाँ पर, उनके लिए जो हाउसिंग स्कीम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, सबसे पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उसके लिए ज़मीन रखी और फिर सिंध हुकूमत ने उस पर जब भी आती रही पीपल्स पार्टी की, उन्होंने आगे उसको बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाया। तो अब हमारे साफी दोस्तों का ये की तरफ से डिमांड आई है कि जी उसमें मज़ीद जो साफी बढ़ते जा रहे हैं, मीडिया हाउसेज बढ़ते जा रहे हैं, तो मज़ीद साफियों के लिए मज़ीद प्लाट्स रखे जाएँ। तो डेफिनेटली इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं और इसको सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, मैं उनसे फिर भी गुजारिश करूंगा, नए सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है कि ये थोड़ा आगे इसको और भी इस चीज़ को ज़्यादा एक्सपेडाइट करें। दूसरा जो ग्रांट है जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से कराची प्रेस क्लब को दी जाती है, उसके लिए भी डिमांड है कि उसको भी बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि अब जाहिर है जब महंगाई हो रही है और महंगाई हो गई है, तो मैं सिंध हुकूमत के भी ज़ाहिर है एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं सेक्रेटरी साहब को कहता हूँ कि उसकी समझ बनाएं कि नेक्स्ट टाइम से वो ग्रांट जो है उसको बढ़ाया जा सके। और इंशाल्लाह ये तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ेगी। सही, तो ये आपका मौका जो है और ये आपकी कोशिश और नई जनरल बॉडी को ये क्रेडिट डेफिनेटली जाएगा कि आपकी वजह से ही ये ग्रांट बढ़ी जा रही है। एक चीज़ अब मैं भी आपके साथ फ्लोट कर दूं जी, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हूं, तो आप मुझे एक दो रूट्स ऐसे बताएं जो आपके लिए, जो साफी भाइयों के लिए आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, कि कोई ऐसे रूट बताएं कि जो कि शहर के किसी दूर दराज इलाके से कराची प्रेस क्लब तब आना हो, तो मैं फिर ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये आपसे फिर कमिटमेंट करूंगा और उसको फिर पूरा करूंगा इंशाल्लाह ताला कि हम बसेस को
کراچی پریس کلب تک لے کر آئیں تاکہ ہمارے صحافی بھائی جو کہ اس مہنگائی کے دور میں جو مہنگا پیٹرول اور مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں تو وہ پھر ان کو کم پیسوں میں ان عالیشان بس سروس میں وہ کراچی پریس کلب تک آ سکیں گے۔ اچھا یہ بتائیں شجید صاحب کہ کل جو آئین کے حوالے سے ایک بڑی تقریب ہوئی جس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی خطاب کیا، لیکن پی ٹی آئی کو جو ہے وہاں پر سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج قاضی عیسیٰ فائق کے وہاں خطاب اور آنے پر بڑا اعتراض ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ اعتراض درست ہے حالانکہ انہوں نے وضاحت بھی کر دی؟ دیکھیں جی، کل پاکستان کی تاریخ میں قانون کی حکمرانی جاننے والوں کو اور آئین کو مقدس سمجھنے والوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ 50 سال پورے ہوئے تھے آئین پاکستان کو، اور آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں منائی جا رہی تھی، کسی سیاسی محفل میں نہیں، کسی سیاسی جگہ پر نہیں، جو ایک آئینی ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ایک آئینی ادارہ ہے اور کسی کو بھی اس سے مقدس ادارہ اور کوئی پاکستان میں نہیں، یہ بھی میں بتا دوں، اس سے اعلیٰ ادارہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے، اس سے مقدس ادارہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ جسٹس قاضی فیض صاحب اس پارلیمنٹ کے ایک مقدس ادارے پہ جو قانون بناتا ہے، جو آئین بناتا ہے، جو آئین میں ترمیم کر سکتا ہے، جو قانون میں ترمیم کر سکتا ہے، اور وہ جو پھر آئین اور قانون بنتا ہے اسے اسی بنا پر پھر پورے ملک میں تمام عدالتیں چلتی ہیں اور چلنا ہے ان کو، تو اس اگر تقریب میں جسٹس قاضی فیض صاحب آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فخر کی بات تھی، اور جو میں نے تھوڑا بہت اپنے پاس معلوم کیا کہ تمام موجود جج صاحبان کو دعوت دی گئی تھی اس میں شرکت کے لیے۔ لیکن کل سب سے زیادہ وہی ہے کہ بدتمیزی کا طوفان، جو کہ پھر میں کہوں گا کہ بھارت اور اسرائیل کے کہنے پہ پاکستان کے تمام آئینی اداروں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو سازشیں چل رہی ہیں، جو پہلے انہوں نے ہمارے کچھ اداروں کے خلاف کی اور پھر کل جسٹس صاحب کے خلاف ایک پوری کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی گئی۔ پریس کلب کے اندر فجیل میمن صاحب کی طرف سے صحافیوں کے لیے ایک پروقار تقریب رکھی گئی، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا موقع ہے جب منسٹر انفارمیشن سندھ جو ہے وہ تمام صحافیوں کو، تمام آرگنائزیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے لیے یہ افطار کا ایونٹ جو کیا، یہ ایکچولی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، جب لوگ آپس میں ملتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، اور یہ ایک موقع ملتا ہے لوگوں کو گفتگو کرنے کا، سوالات کرنے کا، جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ منسٹر صاحب جواب بھی دے رہے ہیں اس کا، تو ایک ہی پلیٹ فارم پہ، اور پریس کلب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ صحافیوں نے اپنی جو ہے نا آزادی کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے، سب اکٹھے ہو کے مل جل کر، اور تمام تنظیمیں جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کر ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں، تو آج کا دن اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ مل کے اکٹھے ہو رہے ہیں، یکجہتی ہے تمام جرنلسٹ برادری میں، تمام تنظیموں میں، سب ایک آپس میں ایک ساتھ ہیں اور اس عزم کے ساتھ ہیں کہ ہم کبھی بھی آزادی صحافت پہ کوئی قدغن برداشت نہیں کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹا۔ سر آج اتنی صحافیوں کے لیے شرجیل میمن صاحب کی طرف سے ایک بہت اچھی تقریر رکھی گئی، افطار پارٹی کرائی گئی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں بہت اچھا اور احسن اقدام ہے شرجیل میمن صاحب کا، وہ ایک میڈیا اور جرنلسٹ فرینڈلی وزیر ہیں اور اس قسم کے وہ ایونٹس کرتے رہتے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ انہوں نے صحافیوں کے لیے اور پریس کلب کی نئی باڈی کے لیے یہ آج دعوت دی ہے۔ سر آپ کو کیسا لگ رہا ہے آگے یہ صحافیوں کے لیے کتنا یہ ریلیف اور چیزیں ملنے والی ہیں، جو صحافیوں کے جو چھوٹی موٹی خواہشات ہیں وہ کتنی پوری ہوں؟ صحافیوں کی اور میڈیا ہاؤسز کی چھوٹی موٹی خواہشات جو ہیں بہت مشکل مجھے لگتا ہے پوری ہوں گی اس وقت، کیونکہ جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اکانومی کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم ہمیشہ سندھ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور زیادہ تر جو ہمارے مسائل ہیں سندھ گورنمنٹ حل کرتی ہے، اور سب سے زیادہ جو میڈیا فرینڈلی گورنمنٹ ہے اس ملک میں وہ سندھ گورنمنٹ ہے، اور وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دیم کہ جی وہ صحافیوں کے مسائل بھی حل کریں، ان کے لیے بھی ریلیف پیکیجز دیں اور میڈیا ہاؤسز کے لیے بھی ریلیف پیکیجز دیں۔ یہ جیسے انہوں نے کہا یہ ایک انتہائی خوش آئند قدم ہے اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے،
इससे ज़ाहरी बात है कि जो साफ़ी हैं उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है, और इससे ये साबित होता है कि सिंध गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे जो करंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सजीद मेमन साहब, वो एक मीडिया फ्रेंडली पर्सनालिटी हैं और मीडिया के करीब हैं और मीडिया उनके करीब है, और ऐसी तकरीब होनी चाहिए और मीडिया को सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का एक अच्छा मौका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ शहजाद मेमन साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे आज जो है आज की तकरीब के बारे में, इसमें वो भी कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, उनका भी काम इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सहाफ़ी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा इकदाम शर्जील मेमन साहब की तरफ से किया गया, उनके लिए बाकायदा एक तकरीब रखी गई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखें, शर्जील मेमन साहब जो हैं वो बड़े एनर्जेटिक आदमी हैं, और जिस तरीके से आपने देखा दो दिन पहले उन्होंने डिजिटल मीडिया का भी जो है उन्होंने इनॉग्रेशन एक सॉफ्ट लॉन्च किया है, आपने देखा होगा, तो उनको जो है पूरे पाकिस्तान का डिजिटल का भी हेड बनाया गया है, पीपल्स पार्टी की जो डिजिटल मीडिया है उसका भी हेड बनाया गया है। तो सहाफ़ियों के लिए मैं समझता हूँ शर्जील मेमन साहब और सिंध गवर्नमेंट और हमारे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि क्योंकि सहाफ़ी जो है वो एक मुतवासित तबके से बिलोंग करते हैं, और जो इस वक्त जो महंगाई चल रही है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, तो हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि सहाफ़ियों को उसमें कहीं ना कहीं कंपनसेट करें। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक सोसाइटी जो लॉन्च की है जो कि सिर्फ सहाफ़ियों सहाफ़ी बरादरी के लिए है, इसके अलावा भी बहुत सारी इंसेंटिव्स हैं जो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट आगे देगी, और सहाफ़ियों के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, और हम आज़ाद सहाफ़त का भरपूर तरीके से हम उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट करती है पीपल्स पार्टी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आज शर्जील मेमन साहब की तरफ से सहाफ़ियों के लिए ग्रैंड इफ्तार पार्टी रखी गई, क्या कहेंगे आप? देखें ग्रैंड आपने खुद ही बोल दिया, ज़ाहिर है ग्रैंड का मतलब तो बड़ी टॉप की पार्टी थी और प्रेस क्लब में हुई है, और ये एक अच्छी शुरुआत है। हमने ये बात हुई थी कि दोस्तों ने भी कहा था कि शर्जील साहब से ये कहा था, ज़ाहिर है शर्जील इनाम मेमन कराची प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं, शहीद गनी कराची प्रेस क्लब के मेंबर है, वकार मेहदी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये अपना मुराद अली शाह साहब, ये नासिर शाह साहब, ये सारे क्लब के मेंबर हैं। तो हमने उनको यही कहा कि आप यहीं पर क्लब के अंदर उसमें होस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सारे हमारी पूरी जर्नलिस्ट कम्यूनिटी हमारे सारे के सारे मौजूद हैं, और बड़ा इंजॉय किया, बड़ा मज़ेदार किस्म का अच्छा हो गया अपने घर में। बट ऑन रिकॉर्ड मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सिर्फ हमारे नहीं नहीं आपने बहुत रिस्पेक्ट दी, और ये चाहिए भाई जिन लोगों से मिलो ये सारे लोग आपको, ये अगर आज आप लोग शहर में घूम फिर रहे हो ना फीमेल ख़ास तौर पर, वो इन जैसे लोगों की वजह से ये निकल के आई उस वक्त 20-25-30 साल पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ इस वक्त है सीनियर सहाफ़ी जो कि फीमेल सीनियर सहाफ़ी है, जिसका एक अलग ही चार्म होता है और एक अलग ही इनकी मेहनत है, इनकी एक अलग ही जद्दोजहद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मुझे पता चला है माशाल्लाह आप 27 ईयर्स से सहाफ़त के शोबे के अंदर हैं, और यहाँ आज सहाफ़ियों के लिए एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी रखी गई, आप क्या कहेंगे इस जर्नी को, इस पार्टी को, इस तरह की होनी चाहिए तकरीबन? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्ट जो हैं वो एक बहुत अहम पार्ट प्ले करते हैं, सोसाइटी के इश्यूज सामने लाते हैं, काम करते हैं, बहुत सारे वो काम करते हैं जो आम लोग करने का सोच भी नहीं सकते, तो उनके लिए ज़रूरी है कि ऐसे मौके फराहम होने चाहिएंगे जहाँ वो भी थोड़ा सा हंस लें बोल लें, थोड़ा सा अच्छा एक माहौल में उनकी भी एक तफरी होनी चाहिए, तो आई थिंक दीज थिंग्स शुड हैपन। जी मैम आजकल जो है आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी फीमेल्स भी इस लाइन में आ रही हैं, पहले जब आप शायद आई होंगी तो शायद इतनी नहीं होंगी, आपने उस वक्त किया काम तो कैसा लगा आपको? मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं लगा 27 ईयर्स में, बल्कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव माहौल था, अब थोड़ा डाउन हो गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ पहले जब मैं आई थी वहाँ पे बहुत अच्छे यानी कि बहुत प्रोग्रेसिव किस्म का खुला डुला माहौल था, अब ज़्यादा लोग किस तरह कौमें और जजमेंटल हो गए हैं, और जितना ये ज़्यादा सोशल मीडिया है वो है तो लोगों के दिमाग और बजाय खुलने के और वो हो गए, तो मुझे तो मेरे ख्याल में जिस वक्त हम लोग आए थे हमारे वाले लोगों में और वो एक पैशन था, वो चीज़ अब मुझे नज़र नहीं आती, आई एम सॉरी टू से। तो हमारे वाली जो जनरेशन है वो अभी भी उसमें जितना दम है वो आजकल के जो लोग हैं उनमें है ही नहीं, दे आर मोर टूवर्ड्स के जल्दी हम ऊपर कर लें, कट शॉर्ट, यानी कि उनको वो शॉर्टकट्स चाहिए, वो शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते, अगर आपको वाकई आपको कुछ काम करना है तो आपको एटलीस्ट 10 साल किसी भी फील्ड में लगाने पड़ते हैं तो जाके आपका थोड़ा बहुत नाम बनता है, ये नहीं कि आज इधर आज उधर, आज थोड़े से पैसे मिल गए तो उधर चले गए तो वो चले गए, ये चीज़ हाँ तो ऐसे नहीं होता। जी